तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, काफी दिन से मेरे पास कमेंट आती कि भैया अपना रूम दिखाओ कैसा है, आप एक रूम में कितना स्टूडेंट है। तो मैं सोचे प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ। तो गाइस, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दिखाते हैं फिर। तो एक बेड इधर नीचे है, एक बेड इधर ऊपर है, और एक बेड इधर, और एक बेड ऊपर है, ठीक है। और ये मिलता है एक सिंगल बेड इधर वाला, ये देखा। तो कुछ हम बात करते हैं रोहित भाई से कि यहाँ कॉलेज कैसा है, यहाँ पर कॉलेज में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम रोहित कुमार लिल्लारे, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और मेरी यहाँ पर ब्रांच है रासायनिक अभियांत्रिकी। ये कॉलेज कैसा लगा आपको? कॉलेज बहुत बढ़िया है, कॉलेज का कैंपस भी बहुत सुंदर है, एनआईटी श्रीनगर का कैंपस सबसे सुंदर कैंपस में गिना जाता है। और लेकिन इस बार इस कॉलेज की रेटिंग थोड़ी नीचे गई हुई है, सभी कॉलेज की रेटिंग नीचे गई हुई है फिलहाल। तो बाकी कॉलेज पढ़ाई लिखाई सब में अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर थोड़ी समस्या आवागमन की समस्या होती है, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं आपको जम्मू तक आना होगा फ्लाइट से, फिर जम्मू तक ट्रेन से आना होगा, फिर जम्मू से अगर आप श्रीनगर तक आते हैं तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं, आप बाय रोड भी आ सकते हैं। बाय रोड और बाय फ्लाइट जो आपका कॉस्ट पड़ता है वो फ्लाइट से आपको 1700-1800 रुपये पड़ेगा। अच्छा। और अगर आप बस से आते हैं बाय रोड तो आपको 700-800 रुपये पड़ेगा। और आप अगर इनोवा या फिर टवेरा अगर आप पर्सनल गाड़ी करके आते हैं तो आपको 1200 रुपये पड़ेगा। मतलब आपकी फ्लाइट और रोड रोड से आने की कॉस्ट मतलब इक्वल ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। मतलब यहाँ कोई जो जूनियर आने वाले हैं अभी तो उनको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है? उनको यहाँ आने पर सबसे पहली चीज ध्यान रखना होगा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप किसी भी कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो आपको आपको यहाँ पर बहुत बिल्कुल सतर्क तरीके से रहना है। वैसे तो यहाँ पर अभी फिलहाल 370 हटने के बाद 2019 के बाद कोई समस्या नहीं है, जगह जगह पर यहाँ पर आर्मी या सुरक्षा, फिर कॉलेज से बाहर जाने के लिए आपको हर तरह से मतलब सुरक्षित भेजा जाता है, आपको बिल्कुल बिल्कुल मतलब आपको गेट पास दिया जाता है, आप जब भी बाहर जाते हैं आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है। और रही बात अगर आप बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी अपनी मतलब एक पहचान पत्र लेकर जाना जरूरी होता है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। और मतलब ये जो बोलते हैं कि पोस्टपेड सिम चलता है यहाँ पर, उस बारे में क्या? हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि मतलब जम्मू कश्मीर जो है यहाँ यहाँ का नेटवर्क जो है बाकी अदर इंडिया के जो भी राज्य है, आप अदर राज्य से आते हैं तो आपकी वहाँ की सिम प्रीपेड हो तो यहाँ पर आप नहीं चला सकते, लेकिन अगर आपकी सिम पोस्टपेड है या प्री कम पोस्ट है तो आप यहाँ पर बिल्कुल ही चला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ही आप जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर एंटर करते हैं, ट्रेन के माध्यम से आते हैं या फिर फ्लाइट के माध्यम से जो भी है, तो आपका सिम मतलब जो आप उधर के है जम्मू कश्मीर से अदर स्टेट के, वहाँ की सिम आपकी बंद हो जाएगी। और फिर आपको अगर आपके पास सिम नहीं है तो यहाँ की सिम लेनी पड़ेगी। सिम लेने के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, आपको 5 मिनट में सिम अवेलेबल हो जाती है। मतलब जो बाहर से सिम लेके आए पोस्टपेड तो वो चल जाएगा इधर या? हाँ, बिल्कुल चल जाएगा, मतलब चल जाएगा जो बाहर से लेके आए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और बाकी खाना वाना कैसा मिलता है यहाँ कॉलेज में? खाना मेस का खाना बिल्कुल बढ़िया है, आपकी मेस की फीस मतलब आप किसी भी से आते हैं ST SC OBC जनरल, तो आपकी मेस में ऐसा कोई कुछ नहीं है कि किसी की फीस ज्यादा किसी की फीस कम, सभी की फीस इक्वल होती है। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की मतलब फीस होती है 21,000 और उसके बाद हर सेमेस्टर की मतलब 6 महीने की फीस, बाकी हर सेमेस्टर की फीस होती है 20,000 रुपीज। ठीक है रोहित भाई, अब बात करते हैं अनुज से। तो सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम मिस्टर अनुज कुमार। और कहाँ से हो? जी मैं पटना बिहार से। पटना से? तो जब आप कॉलेज में आए थे तो कैसे आए थे? कॉलेज में मैं बाय रोड आया था, 4-व्हीलर स्विफ्ट डिजायर से, जिसकी रेट कॉस्ट मोस्टली 1500 लगी थी। तो मतलब बाय रोड आने में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई आना चाहे तो मतलब स्टूडेंट या? बाय रोड आने में दिक्कत नहीं है, बहुत नज़ारे आप देखते आएंगे, पहाड़ों के बीच से झरने गिरते हुए, अच्छी सीनरी वहाँ पर, ग्रीनरी वगैरह बहुत कुछ है। जो है मतलब बोलते हैं कि यहाँ लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है, तो मतलब ये कैसे? लैंडस्लाइड वो तो एक नेचुरल डिजास्टर है, वो तो ऑफ कोर्स होती रहेगी। अच्छा, और बाकी कॉलेज बढ़िया लगा? हाँ, कॉलेज बहुत बेहतर है सुंदरता के मामले में, या फिर पढ़ाई भी इसकी बहुत अच्छी है और फैकल्टीज मोस्टली सब अच्छे हैं। कॉलेज में मतलब इवेंट वगैरह सब होते रहते हैं? हाँ, इवेंट तो अच्छी खासी हो जाती है,
मतलब आप अगर इवेंट में बिजी रहना चाहते हैं तो आप होल टाइम बिजी रह सकते हो। अभी एक टेक्वा गांजा हुए था, उसके पहले उस दो दिन पहले से बहुत सारी चीजें टेडएक्स हो रही थी, मतलब इवेंट वगैरह सब होते रहते हैं। अगर कॉलेज में आए तो कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पर, और खाना वगैरह तो सब बढ़िया मिलता है। हाँ, खाना वगैरह सब बढ़िया है। अब इतने सारे लोगों को, 600 लोगों को बनाना है तो थोड़ा बहुत तो 19-20 का फर्क होता ही है। और नॉनवेज वगैरह कितने दिन मिलता है यहाँ पर? नॉनवेज 3 दिन मिलते हैं। 3 दिन नॉनवेज, मतलब जो वेज और नॉनवेज सबका अलग अलग होता है ना? हाँ, सबका मतलब टाइमिंग अलग है। आप वेज खाना चाहते हैं उस चाहे आपको वेज पहले मिलेंगे या फिर नॉनवेज पहले मिलेंगे। अच्छा, और बाकी पढ़ाई वगैरह सब अच्छी, फैकल्टी वगैरह सब बढ़िया है आपकी? हाँ, फैकल्टी बहुत बढ़िया है। बढ़िया। अपने नाम बताओ। मैं निखिल हूँ, बिहार सिवान से। सिवान से तो यहाँ पर केमिकल इंजीनियर। अच्छा, कॉलेज कैसा लगा? कॉलेज मस्त। जो यहाँ पर जूनियर दिन कट सकता है, जूनियर जो आने वाले उनको क्या बोलना चाहोगे? बोलूंगा कि ठीक है, कोई इतना बड़ा तो कैंपस नहीं है, लेकिन फिर भी अपन बोर नहीं होंगे, और रूममेट्स 5-5 मिलता है तो बकचोदी चलता रहता है, दिन कटता रहता है, पढ़ाई होता रहता है, सैम बैक आएगा एक आध तो फिर क्लियर भी हो जाएगा, तो उससे कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना। आओ यहाँ, और ठंडी के दिन में तो मतलब जो नज़ारा होगा शायद ही आपको कहीं इंडिया से बाहर देखने को मिले, यहाँ इंडिया में शायद ही कहीं मिलता है। अच्छा, और जैसे मतलब कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि हम कॉलेज में आ गए और हम प्रिपरेशन करते हैं, जेई की प्रिपरेशन कर सकते हैं मतलब? हाँ एकदम, आप कॉलेज में आकर भी कर, इनफैक्ट बहुत सारा अपना बैचमेट्स रहा है लोग जो 94-96 तक लाए लोग, इस बार 99 भी एक आध दो राजस्थान से था लोग बनकर जो लाए लो, और कॉलेज ड्रॉप कर वो एज ए न्यू कॉलेज के लिए वो यहाँ से चला गया लोग, मतलब अपना जो भी प्रोसीजर था फॉलो करके। इस कॉलेज के बारे में दो अच्छी चीज़ें बताओ क्या? एक तो ब्यूटी, और दूसरा यहाँ पे जो मेरे को लग रहा है ना, ये जैसे 40% कंपलसरी हो गया तो उससे बच्चा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया लोग, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, तो ठीक है इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे बच्चा पास हो जाता था, लेकिन अब ऐसा यहाँ कर दिया गया है ना कि जब तक आपका एक्सटर्नल में 40% नहीं आ पा रहा है टोटल का, तब तक आप पास नहीं हो पाओगे, तो उसके लिए अब यहाँ बच्चा मेहनत कर रहा है जो कि आगे भी इन द फ्यूचर बहुत अच्छा करेगा उस सबको। यहाँ कॉलेज में कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह है? हाँ, रेस्ट्रिक्शन तो है, 7 बजे से पहले आपको आ जाना है अगर आप बॉयज हो तो इन कैंपस, और गर्ल्स हो तो 6 बजे इन कैंपस, और इन हॉस्टल के लिए अभी तो 12 टाइम है, रात का 12, मतलब रात को 12 बजे तक बाहर कैंपस में घूम सकते हैं? हाँ, घूम सकते हैं, और गर्ल्स के लिए आई थिंक 7 या 8, वो टाइम टू टाइम वेरी होता रहता है, मतलब गर्ल्स के लिए कैसे रात हो जा रहा है आजकल, मतलब थोड़ा लेट से रात हो रहा है तो 8 बजे तक चल रहा है, जब वही ठंड का मौसम रहेगा तो 6 बजे तक ही रहेगा, 6 बजे आपको। और ये मतलब जो कैंटीन में सामान ज़्यादा हाई प्राइस पे तो नहीं मिलता? नहीं, MRP टू MRP मिलता है यहाँ सामान का जो भी प्राइस है, लेकिन ये जैसे चाउमीन हो गया, मोमोज हो गया, या फिर जितना फास्ट फूड हो गया वो थोड़ा बोल सकते हैं, मतलब एज ए मेट्रो सिटी से तो ठीक ही है, मतलब उतना वो कॉस्टली नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और बाकी इस कॉलेज में मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो टीचर्स मना करते हैं कि ये नहीं करनी चाहिए? हाँ, तो वो तो और टीचर्स एकदम मना करेगा कि बेटा ग्रुपिंग मत करो, रात को फालतू में घूमो मत, अपना जो है सिंसियरली पढ़ लो कि आगे जाकर अच्छा प्लेसमेंट लगेगा, अगर आप पढ़े रहोगे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे आप मतलब कुछ कर सकते हो, ऐसे दोस्तों के साथ अगर आप टाइम जया कर देते हो मतलब बर्बाद, तो फिर शायद आपको आगे दिक्कत हो सकती है, और ये नशा दारू वारू में मत लगो, यही सब। और बाकी पर्सनली कॉलेज कैसा लगा ये? कॉलेज ऐसा है ना कि जिसको नहीं मिला होता है उसको बहुत अच्छा लगता है, जिसको मिल गया होता है फिर वो IIT हो NIT हो फिर वो गाली देता है, लेकिन फिर भी ठीक है, खाना होना मतलब एज उतना खराब भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन जिया जा सकता है, रहा जा सकता है। मतलब जो अभी अक्टूबर में जूनियर्स आने वाले हैं उनको क्या बोलना चाहोगे कि इस कॉलेज में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं देखो, मैं तो बोल दूंगा सीरियसली बोलूंगा एक बात कि इसमें मतलब अगर कोई चारा नहीं तो आ ही जाओ, अगर कोई ऑप्शन है तो फिर मत आओ, क्योंकि वहाँ घर जाने के टाइम भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि मैं कैसे जाऊँ इतना दूर, यूपी बिहार वालों को तो और दिक्कत होता, मतलब जो इधर दिल्ली की साइड है यूपी वाले लोग तो उनको नहीं होता, लेकिन बिहार
वाले लोगों को दिक्कत होता है, बंगाल वाले लोगों को दिक्कत होगा, कर्नाटक वाले लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि तुमको भी पता है यहाँ दिसंबर टू दिसंबर ही वो छुट्टी मिलता है, दिसंबर टू फरवरी मतलब गर्मी में छुट्टी नहीं मिलती है दिसंबर। नहीं 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 कुछ नहीं, और मिलेगा भी तो फिर तुम्हारा या तो जाने में लग जाएगा टाइम उतना या आने में, क्योंकि 7 दिन का ही ब्रेक रहेगा जो भी है सेम ब्रेक मिला। हो सकता है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक ज्यादा दिन का मिलने लगे, लेकिन फिर भी बच्चा जाना नहीं चाहता क्योंकि इतना दूर गाड़ी हो जाता है, 5 दिन लग जाता है, 3 दिन लग जाता है जाने में, इसलिए लोग प्रीफर करते हैं यहीं रहो, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटी है, सोनमार्ग जाओ, पहलगाम जाओ, गुलमार्ग जाओ, दूध पत्र बहुत सारा है, तो वो धीरे धीरे आप विजिट कर सकते हो उन टाइम छुट्टियों के टाइम में। ठीक है बढ़िया, तो आपको दिखाते हैं थोड़ा रूम वगैरह कैसा है और यहाँ पर हमको क्या क्या सामान इस रूम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो मतलब ट्रॉली बैग वगैरह होते हैं वो आप ऊपर रख सकते हो, यहाँ पर ऊपर स्पेस है काफ़ी रखने का, और बाकी एक अलमीरा मिलती है उसमें अपना सामान वगैरह रख सकते हो, यहाँ पर मतलब कपड़े वगैरह और जो बाकी जूते वगैरह वो नीचे रख सकते हो। बाकी ये चेयर और टेबल मिलता है आपको, सबको एक एक चेयर टेबल मिलेगा, और बाकी बस यही है। ठीक है आज के लिए बस इतना ही।